अस्सलाम वालेकुम जी माय बेस्ट फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखिए जी, ये पौधा देखें, अल्लाह की शान है, ये कैसे निकला हुआ है ज़मीन से। ये पानी यहाँ से नीचे जाता है और देखिए ये फूलों का पौधा यहाँ पे आ गया है ना, अल्लाह की कुदरत। और ये जी हमारा हुआ सफ़र शुरू, हम जा रहे हैं लाहौर। तो मैं कुछ ये जाते जाते वीडियो बनाई है, तो चलो आपसे शेयर करते हैं। ये खूबसूरत सा मंजर, ये आप देखें माशाल्लाह। कहीं कहीं पे तो बारिशों से अल्लाह पाक ने ज़रखेज़ी पैदा कर दी है, सब्ज़ा ग्रीनरी, और कहीं पे इतनी तबाही सैलाब, और बेचारे कई लोगों के घर उजड़ गए, कुछ इस दुनिया से चले गए हैं, और क्या से क्या हो गया किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पल में ज़िंदगी में बदल जाएगी। तो बस इसी को कुदरत कहते हैं, और इसी पे ही अल्लाह का अमल चलता है। कहीं खुशियाँ हैं तो कहीं गमी हैं, बस कोई आ रहा है तो कोई दुनिया से जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही अफसोस हुआ, अल्लाह पाक सबकी माफ़रत करे जो दुनिया से चले गए हैं, और जो अल्लाह पाक इस मुश्किल के वक्त में फंसे हुए उनको इस मुश्किल से निकाले। आमीन सुमामी। ये देखिए ना बारिशों का पानी कैसे खड़ा हुआ है जगह जगह पे। और बाई रोड से हम लोग जैसे जा रहे थे तो आसपास में ये देख रहे थे, कुछ जगहों पे काफ़ी तबाही हुई हुई थी, और कहीं पे कुछ हमारे एक साइड का कुछ इलाका जो है ये रेतले किस्म का है, तो यहाँ पे सैलाब वगैरह का और इस तरह का कुछ कम ही होता है। साफ पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे ज़रा ख़तरा होता है उधर पानी का, अगर पानी ज़्यादा आ गया तब भी मसला होता है, बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आबशारें होती हैं और ऊपर पहाड़ों से पानी नीचे आता है, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अल्लाह पाक नागहानी मौत से और नागहानी आफतों से सबको महफूज रखे। आप सब बहन भाइयों को अल्लाह पाक खुश रखे, और दुआ करिए और दुआ लीजिए, दुआ दीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए आसपास के लोगों को। तो मैंने सोचा जी आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँ, तो कैसा लग रहा है ये सब। माशाल्लाह बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल सी ग्रीनरी थी तो अच्छी लग रही थी, सो मैंने वीडियो बना ली। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए सब अच्छे अच्छे से प्यारे से, कैसा लगा आप सबको ये सब। बस ये अल्लाह के ही काम होते हैं ना जी। ये देखिए यहाँ पे पानी काफ़ी सारा रुका हुआ, ये हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो जैसे जैसे वो गाड़ी जा रही थी मैंने साथ साथ में वीडियो बना ली। ये दो नहरें एक उस तरफ है ये इस तरफ है, ये बराबर में ही जा रही हैं दोनों, और ये आगे से दरिया शुरू हो जाता है, ये दरियाए सतलुज। यहाँ देखिए कितना पानी है, ये इंडिया वाले जो होते हैं ये पानी को बंद रखते हैं, और जैसे ही सैलाब वगैरह आता है या डूबने लगते हैं तो फिर इधर पानी छोड़ देते हैं, तो आगे पीछे इधर पानी नहीं आता, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये उनकी तरफ इसका नाम गंगा है और हमारी तरफ ये दरिया सतलुज बन जाता है। ये कुछ काम हो रहा है, हेड का न्यू पुल वगैरह बना रहे हैं, ये काफ़ी ओल्ड पुल है, इसको हम न्यू तरीके से न्यू स्टाइल में बना रहे हैं, तो जब बनेगा तो इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो बना के वो भी दिखाएंगे। देखिए आगे जी टोल प्लाजा, और यहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू हो गया। कहीं कहीं पे बादल थे और कहीं कहीं धूप, मौसम कहीं पे काफ़ी साफ था, और काफ़ी जगहों पे पानी भी खड़ा हुआ था। ये फ़िश है, यहाँ से लोग फ़िश खरीद के जाते हैं ताज़ा ताज़ा, साथ में पकड़ी जाती है, साथ यहाँ पे सेल की जाती है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आके बैठ के खा के जाते हैं, बड़ी मज़े की होती है और बहुत ही टेस्टी। कभी आपका इधर गुजर हो तो आप ज़रूर खाइएगा, बड़ी मज़े की और लाजवाब किस्म की यहाँ की फ़िश होती है, और हमारे घर में अक्सर यहाँ से ही जाती है, और हम बड़े मज़े से खाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है।
और ये जी कुछ किन्नीर सब्जा सा आसपास में। बस अक्सर में हम लोग कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, तो ये मेरी वीडियो होती है। सोचते होंगे कि यूट्यूब कि आप अक्सर ही ट्रैवलिंग की या इस तरह से, अब क्या करें, मजबूरी होती है कहीं जाना पड़ा, तो फिर साथ में होता है कि वीडियो भी तो डालनी है, तो जहाँ पे अच्छा खूबसूरत सा मंज़र हो वहाँ पे हम बना लेते हैं। ये चीचा वतनी है और बहुत खूबसूरत का यहाँ का सीन आ रहा था, तो मैंने कहा ये भी मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सबके लिए। कैसा लगा आप सबको, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लिया कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए गिफ्ट होता है, तो हमने जो इतनी मेहनत की होती है तो इतना तो हमारा गिफ्ट बनता है ना। तो यहाँ से फिर आगे हम लोग कमालिया की तरफ आए और कमालिया से ही मोटर वे पे, उससे आगे थोड़ा सा कमालिया से आते हैं तो फिर मोटर वे पे चढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम मोटर वे पे चढ़े तो आगे फिर ये देखिए कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा मंजर, ये भी बारिश का पानी है जो साइड पे खड़ा हुआ है, और साथ ही यहाँ से दरिया जो है वो जा रहा है। ये मेरे ख्याल में दरियाए चनाब है या दरियाए रावी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी दरिया ही है। देखिए इसमें भी बहुत काफ़ी सारा पानी आ रहा है, कैसे बिल्कुल किनारे के करीब तक पहुंचा हुआ है। आई एम सॉरी इस बैक साइड से कुछ आवाज़ें होंगी तो इनको इग्नोर करिएगा, सॉरी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर और प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सीन है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए कितना माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, बारिश पड़ने के बाद पौधे बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल क्लियर से हो गए हैं, निखरे निखरे से, धुले धुले से, प्यारा सा मंजर हो गया ना। हमारा लाहौर के लिए जो सफ़र है जारी है, बहुत लॉन्ग सफ़र होता है, लेकिन ये कि भी करना भी ज़रूरी होता है। तो किसी का हम जिस काम के लिए आए हैं, अल्लाह पाक हमारे काम को अंजाम तक पहुँचाए, कामयाबी दे, और जो भी हमारी ख्वाहिश अच्छी वाली है वो अल्लाह पाक के साथ अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन।